नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। पंजाब के आईएएस के घर छापेमारी, सोने की नाव और चांदी की 3 ईंटें बरामद, 73 कारतूस भी मिले। करप्शन केस में पकड़े आईएएस पोपली का दावा, विजिलेंस ने मेरे सामने बेटे को गोली मारी, अब मुझे भी कत्ल कर देंगे। एमपी पंचायत चुनाव में गोलियां चली, एक की हत्या ग्वालियर, चंबल में हिंसा, मुरैना में एक की मौत। गठबंधन बनाने में जुटा बागी गुट, देर रात गुवाहाटी से इंदौर होते वडोदरा गए शिंदे फडणवीस से मिले। बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रही लड़की, बॉर्डर पर गिरफ्तार, एमएच की लड़की को सोशल मीडिया पर हुआ प्यार। आईएएस के बेटे की मौत पर सियासी घमासान, कांग्रेस बोली कानून प्रक्रिया का ड्रामा बना दिया। महबूबा मुफ्ती ने आतंकी शौकत के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, सेना ने जारी किए उसके गुनाहों के फेहरिस्त। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा आरोप, कहा मोदी के खिलाफ सीतलवाड़ में अभियान में सोनिया गांधी भी शामिल। मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा को दूसरी बार समन जारी किया, धार्मिक टिप्पणी मामले में आज पेश नहीं हुई थी। पैगंबर मोहम्मद पर भड़काऊ पोस्ट करने का मामला, आरोपी ठाणे से गिरफ्तार। एकनाथ शिंदे ने एमवीए गठबंधन को बताया अजगर, कहा यह लड़ाई शिवसैनिकों के हित के लिए। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तैयारी पूरी के लिए चलेगी 250 विशेष ट्रेन, रथ यात्रा के कारण 12 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद। असम में बाढ़ से हालत बिगड़े, सिलचर में 1 लाख से ज्यादा लोग घरों में फंसे, अब खाने पीने का भी संकट। संजय राउत बोले कब तक छुपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में, फडणवीस आज दिल्ली जाएंगे। तिस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार, गुजरात में दंगे के मामले में साजिश रचने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कल जांच की बात कही थी। स्टेशन के निर्माण में बाधा हुई दूर, दूसरे फेज के लिए सरकारी जमीन रेलवे को देगी यूपी सरकार। कानपुर में नेपाल से मुंबई चरस तस्करी, जाजमऊ पुलिस ने 1.25 किलो चरस के साथ युवक को पकड़ा। साल बाद भारत में होगा शतरंज ओलंपियाड, मेरठ पहुंची शतरंज ओलंपियाड की टॉर्च रैली। प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा की, महामंडलेश्वर सहित 27 के खिलाफ एफआईआर, इलाका विवाद को लेकर छिड़ी है किन्नरों में लड़ाई। इंजीनियर इंदु शेखर को नहीं मिली 4 सीट, आवास विकास परिषद के कमिश्नर अजय चौहान को दी जाए।
पर जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप। गांव में पीएससी तैनात, एक दिन पहले युवक की गई थी हत्या। प्रयागराज में इश्क के जुनून में लड़की ने बदलवाया जेंडर, कहा अपने शरीर से घुटन हो रही थी। गाजीपुर के नवनिर्मित पंचायत भवन में लटक रहा ताला, कार्यालय में अधिकारी रहते हैं नदारद, ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश। आज से ताजमहल पर कुत्तों का नो एंट्री, दोनों गेट पर लगेगी बैरिकेटिंग, एक कर्मचारी की होगी कुत्ता भगाने की ड्यूटी। प्रयागराज से बिलासपुर आ रही बस खाई में गिरी, दो बच्चियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। फरुखाबाद में सीएमएस की कर्मचारी ने की पिटाई, लोहिया अस्पताल में तैनात है डॉक्टर राजकुमार गुप्ता। टेस्टिंग में बैकफुट पर कानपुर पुलिस, 300 से ज्यादा बवालियों की फोटो है। देवरिया में नहीं थम रहे सड़क हादसे, एक महीने में 100 से अधिक की गई जांच। आगरा में विधायक की स्कॉर्पियो चोरी का वीडियो वायरल, थाने के गेट से बाइक ले उड़े। वाराणसी में योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, 1550 फीट की ऊंचाई पर सामने से टकरा, एहतियातन उतारना पड़ा चौपर। प्रतापगढ़ में सपा विधायक आरके वर्मा पर मुकदमा दर्ज, मैनेजर ने 6 नामजद और 45 अज्ञात पर किया केस, कहा जानबूझकर गिराया था कॉलेज की दीवार। गोंडा में नालों की सफाई के लिए किसानों ने किया प्रदर्शन, 10 गांवों में बारिश के समय हो जाता है जलभराव। से अभद्रता करने पर 2 को जेल, तालाब की भूमि पर हुआ था अवैध निर्माण। रायबरेली में शिक्षक को सपा नेता ने दी धमकी, कहा थाना पुलिस को चाहे जितना पैसा दे दो। गाजियाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले का वीडियो वायरल, गाड़ी टच करने का था विवाद। हमीरपुर सड़क हादसे में एक युवक की मौत, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर हुई। सड़क हादसे में महिला की मौत, भाई की शादी से वापस लौट रही थी तेज रफ्तार अर्टिका ने मारी थी टक्कर। झांसी में खुले में शराब पी रहे 244 लोग पकड़े गए, अभियान चलाकर 237 स्थानों पर छापे मारे कर 547 लोग को किया जा। बाद में 2 सिपाहियों पर महिला से छेड़खानी का आरोप, सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत। श्रावस्ती में प्रशासन का सख्त रुख, घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने को हुई छापेमारी, 5 सिलेंडर किए जब्त। चश्मे की लड़ाई में मारा गया रेलवे ठेकेदार, लखनऊ में हुई हत्या में पहली पत्नी पर एफआईआर, 15 दिन पहले दी थी धमकी।
सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज बने बरेली के नए एसएसपी। बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ कर रहे कप्तान मेरठ की कमान। बदायूं में पोते ने दादा दादी की हत्या करके अलग अलग मकानों में फेंका शव, 3 दिन तक सड़ता रहा शव। विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, 50 साल के भतीजे ने घर में बुलाकर 4 घंटे तक की दरिंदगी, मां को हुआ शक्त छुड़ा। ट्रायल रन के लिए टेस्टिंग यार्ड में पहुंची रैपिड रेल ट्रेन, चालू करने को गुजरात से गाजियाबाद आए इंजीनियर। यात्रियों की मौत का आंकड़ा 200 पार, अब तक 24 लाख कर चुके 4 धामों में दर्शन। अगले 24 घंटे में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार, कहीं चलेंगी तेज हवाएं, येलो अलर्ट जारी। की हदें पार, कार में मां और 6 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म, बच्ची का 3 घंटे चला ऑपरेशन। चमोली में बारिश से चट्टान का हिस्सा टूटकर गिरा, धाम और हेमकुंड साहिब जा रहे यात्री फंसे। दाकनी का जल स्तर, नदी पार कर रहे दो युवक फंसे, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई जान। कांग्रेस के सत्याग्रह पर धामी का निशाना, अग्निवीरों के लिए की घोषणा, राज्य में हर क्षेत्र में मिलेगी नौकरी की प्राथमिकता। तलाश में पुलिस ने कई ठिकानों पर दी दबिश, 7 नामजद समेत 25 पर हत्या का केस। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूरी तरह रोक, 5,000 तक लगेगा जुर्माना। ऋषिकेश में मां करा रही थी बेटी का जबरन बाल विवाह, पुजारी के मना करने पर जा रहे थे मेरठ 4 गिरफ्तार। देहरादून में भाजपाइयों ने सुनी मोदी की मन की बात, मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह सुननी चाहिए। देहरादून में 25 दिन निकू वार्ड में रहे जुड़वा बच्चे, डॉक्टर और स्टाफ की मेहनत से हुई फिर। डॉक्टर के बिना ही चल रही है पैथोलॉजी लैब, 45 लैबों की शिकायत, कार्रवाई सुन। अग्निपथ योजना के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला, अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। सांसद अजय टम्टा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा सत्ता हथियाने के लिए पूर्व पीएम इंदिरा ने किया था शक्ति का दुरुपयोग। खाद विभाग में ट्रांसफर विवाद, रेखा आर्या के समर्थन में आए अब यह कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। इमरान की जासूसी करने की कोशिश, खान का कर्मचारी ही बेडरूम में लगा रहा था स्पाई डिवाइस। एयरपोर्ट पर गूंजे मोदी, मोदी के नारे, G7 देशों की शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे।
44,000 सैनिकों ने नहीं लगवाई कोविड वैक्सीन, अब लटक रही बर्खास्तगी की तलवार। मंकीपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा अभी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में नया फरमान, खर्च घटाने के लिए शादी में एक डिश दे रात 9 बजे से बंद कर दी जाएगी स्ट्रीट लाइट्स। यूक्रेन का दावा बेलारूस ने 40 मिसाइलें दागी पर रूस का कब्जा। एफटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने को छटपटा रहा पाकिस्तान, मुंबई हमले में साजिशकर्ताओं के 15.5 साल की जेल। यूएई में अंतिम सांसें गिन रहे परवेज मुशर्रफ, चुपके से मिलने पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा। आईएमएफ ने 2022 के लिए अमेरिकी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 2.9% किया, कहा मंदी से बचने के आसार बहुत कम। तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। अश्विनी वैष्णव बोले साल 2026 तक देश में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। श्रीलंका ने उठाया बड़ा कदम, किसी व्यक्ति के $10,000 से अधिक विदेशी मुद्रा रखने पर लगाई पाबंदी। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, 450 रुपए लीटर के पार पहुंची कीमत। टैक्स चोरी रोकने को जीएसटी भुगतान फॉर्म में हो सकता है बदलाव, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला संभव। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एबिनेंसे की मुश्किलें, जांच से घिरते सीईओ दुबई हुए शिफ्ट। अमेरिका में गर्भपात करवाने बाहर जाने वालों का खर्चा उठाएगी कंपनियां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की पहल। ने अपने 300 कर्मचारियों को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। डिश टीवी इंडिया के एमडी जवाहरलाल गोयल ने ईजीएम में वोट नहीं मिलने पर छोड़ा पद। स्टार बल्लेबाज उमर अकबर का बड़ा आरोप, हमारे सीनियर खिलाड़ी किसी और की सफलता बचा नहीं सकते। फीफा विश्व कप में देखने को मिलेगा भारत बनाम ब्राजील मैच, मुख्य टूर्नामेंट में नहीं बल्कि महिलाओं के अंडर 17 टूर्नामेंट में होगा। भारत का स्कोर, लीसी टेस्ट ट्रायर पर 366 की बढ़त, कोहली का अर्धशतक। मुंबई की दूसरी पारी 269 रन पर सिमटी, मध्य प्रदेश के सामने 108 रन का लक्ष्य।
न्यूजीलैंड में टी20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी करेगी पाकिस्तान की टीम, पीसीबी चीफ रमीज राजा का ऐलान। चार साल बाद आयरलैंड से भिड़ेगा भारत, हार्दिक पांड्या टी21 में भारत के नए कप्तान। शर्मा कोरोना पॉजिटिव, इंग्लैंड में भारत को 1 जुलाई से खेलना है टेस्ट। भारतीय तीरंदाजों ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड, कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने फाइनल में फ्रांस को हराया। हरमनप्रीत ने तोड़ा मिताली राज का रिकॉर्ड, टी21 में भारत की टॉप महिला बल्लेबाज बनी, सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। मोहम्मद हफीज ने किया दावा, शान मसूद को सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि वनडे और टी20 टीम में भी मौका मिलना चाहिए। कपूर और दीपिका पादुकोण ने साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए भरी हामी, टीवी एड में साथ आएंगे नजर। वेब सीरीज मासूम स्टारर बोमन ईरानी ने कहा, समारा का काम देखकर ताज्जुब में पड़ गया, वो नया कमर है। आदि पुरुष में राम का रोल निभाएंगे प्रभास, द इमोर्टल अश्वत्थामा में गुरु द्रोणाचार्य के बेटे के रोल में दिखेंगे वे। फरा की गोदी में जा बैठे थे अभिषेक बच्चन, अब कोरियोग्राफर का हाल देखकर बोले, मुझे दोष मत दो। शाहरुख खान ने सलमान संग रिश्ते पर दिया बड़ा बयान, बोले वो भाई है लेकिन हमें बड़ा कौन है नहीं पता। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड को कोर्ट ने दिया लिखित आदेश, कहा मुआवजे की राशि जल्द भरे। रामगोपाल वर्मा के खिलाफ हैदराबाद में दर्ज हुई शिकायत, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर की थी विवादित टिप्पणी। कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ को लेकर किया ट्वीट, बोली भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें खुशी होगी बताएं। इंस्टाग्राम पर मौजूद है रणवीर का सीक्रेट अकाउंट, एक्टर ने सोशल मीडिया हैंडल को लेकर दिया बड़ा है। पति शाहरुख खान के करियर के 30 साल पूरे होने पर इमोशनल हुई गौरी खान, कहा वो कल से ज्यादा आज मेहनत करते हैं। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।